आपको एक एक से एक कपड़ा मिल जाएगा, लेकिन थोड़ा महंगा मिलेगा इंडिया से। अगर कोई मुझे इंडिया से देख रहा है या नेपाल से देख रहा है तो अपना जरूरत का जो सामान है लेके आना है, तो यहाँ पे काफ़ी आपको महंगा मिलेगा। तो ये जो है 4 महीना हो गया, अभी कभी बाहर नहीं गया और कभी मेरे फर्स्ट टाइम आया, और अभी घूमने के लिए बाहर कभी निकले नहीं है। फर्स्ट टाइम क्रिसमस के समय ही ये बाहर निकाल के ये सब बेच सकता है। अगर क्रिसमस ख़त्म हो जाता तो फिर बाहर आपको अंदर बेचना पड़ेगा, नहीं तो ऐसा बेच नहीं सकते आप लोग। बोल रहे हैं कि इधर काफ़ी ऊँचा ऊँचा बिल्डिंग देखने के लिए मिल रहा है। इससे पहले इधर हम लोग रहते थे, हमारा हॉस्टल है, कंपनी है, उधर इतना ऊँचाई में बिल्डिंग नहीं रहता है। ये मार्केट जो है ना हमेशा लगता है, और यहाँ पे आप आते हो तो आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सस्ता कपड़ा मिल जाता है और काफ़ी यहाँ पे टूरिस्ट भी आता है घूमने के लिए। भीड़ भी बहुत ज़्यादा है, गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, माथे में देख सकते हो तो मेरा पानी चू रहा है, और मैं जो ऐसे कैमरा लग के रखा हूँ ना हाथ में, यहाँ पे ऐसा नहीं है जो छीन के भागेगा, ऐसा यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे काफ़ी सेफ्टी है, कोई किसी का कुछ सामान चोरी नहीं करता है। मौसम भाई, इससे पहले मेट्रो पर बैठे हो क्या इंडिया में? जी कभी नहीं बैठे, पहली बार मेट्रो में बैठने वाला है। तो ये भाई मोहसिन है और ये इंडिया से, और हम दोनों एक ही कंपनी में काम करते हैं। तो ये फर्स्ट टाइम पोर्टली जा रहा है, तो इसको बस में भी लेके जा सकता था, लेकिन जो है ना मैं सोचता हूँ इसको लेके जाता हूँ मेट्रो में, क्योंकि मेट्रो में कभी बैठा नहीं है, तो इसको मैं मेट्रो में लेके जा रहा हूँ। तो इसका फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, और इससे मैं आपको बाद में मिलाता हूँ जब मेट्रो आ जाएगा। तो मेट्रो से उतर जाएंगे, पोर्टल्स में चलेंगे, तब आप लोग को मिलाएंगे। तो चलो फिर मैं आपका स्वागत करता हूँ फिर से एक नई वीडियो में। संडे है ना तो काफ़ी भीड़ है, इसीलिए खड़ा होकर जा रहा हूँ। तो हम लोग आ गए हैं पोर्टलिस विक्टोरिया, और मैं काफ़ी बार आया हूँ यहाँ पे, तो ये भैया पहली बार आया है। तो मैं काफ़ी घूमता हूँ ना, तो ये भैया बोलता है कि कभी कभी मेरे को भी लेके चलो, तो अभी इसका छुट्टी है, तो मैं सोचता चलो लेके चलता हूँ और इसको दिखाता हूँ कैसा है नहीं है। आज जो आया हूँ ना, आज जो है ना संडे है और कल है क्रिसमस, क्रिसमस से तो आज संडे है, तो काफ़ी भारी मार्केट लगेगा यहाँ पर। तो ये मार्केट जा रहा हूँ, उसको घुमाऊँगा, वाटर फ्रंट भी घुमाऊँगा। मैंने आप लोग को मिलाया नहीं मोहसिन भाई से, तो मोहसिन भाई और मैं एक ही कंपनी में काम करता हूँ, लेकिन वो दूसरा हॉस्टल में रहता है, मैं दूसरे हॉस्टल में रहता हूँ। तो मैं उससे पूछूंगा वो कहाँ से है और कौन सा स्टेट से, कहाँ से हो आप? बिहार, बिहार से। आप भी बिहार से हो क्या? जी मुझे तो आज मालूम चला है, मैं भी तो बिहार से ही हूँ। बिहार गया जिला से रहने वाला। तो मैं कटिहार से हूँ और आप गया जिला से? आप ये भी बिहार से ही है? हम तो नहीं कि सेम कंपनी में काम करते हैं, लेकिन वो जो है ना दूसरा हॉस्टल में रहता है, मैं दूसरे हॉस्टल में रहता हूँ, तो इसीलिए इतना जान पहचान नहीं हो पाया, लेकिन कंपनी में काम करता हूँ, जान पहचान हो गया। तो उसको मालूम है कि मेरा एक यूट्यूब चैनल है, वो जो इंडिया से देखे थे। इंडिया से मैं देखता था। तो आप ऐसा नहीं सोचते कभी मेरे से मिलोगे? ये सब तो दिमाग में देखा बनाता है, डालता है, शायद आप मॉरीशस का ये रहने वाले हो? नहीं नहीं, मैं इंडिया से हूँ, तो इसको घुमाने के लिए लेकर आया हूँ, तो चलो घुमाता हूँ। यह है विक्टोरिया मॉल, और ये नया नया खुला है 2022 में, जब मेट्रो स्टेशन बना था उसके बाद ही ये विक्टोरिया मॉल बना। तो चलता हूँ मॉल दिखाता हूँ आप लोग को। इसके अंदर भी एक मार्केट है जो कपड़े का मार्केट है, और ये है जो है ना सब्जी मार्केट बोल सकते हो। पर आप लोग को मैं बता देता हूँ क्या है कि ना नॉइस थोड़ा ज़्यादा आएगा इस वीडियो में, क्योंकि मैं ना कैमरा के ऊपर माइक नहीं लगाया हूँ, हाथ में पकड़ के वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि माइक लगा रहता तो सब कोई देखता है, इसलिए इस बार माइक खोल दिया हूँ और हाथ में मुट्ठी पकड़ के ऐसे वीडियो बना रहा हूँ। और ये यहाँ पे ना A to Z कपड़ा मिल जाएगा आपको, ये काफ़ी बड़ा मॉल है। आपको एक से एक कपड़ा मिल जाएगा, लेकिन थोड़ा महंगा मिलेगा इंडिया से। अगर कोई भी मुझे इंडिया से देख रहा है या नेपाल से देख रहा है तो अपना जरूरत का जो सामान है लेके आना है, तो यहाँ पे काफ़ी आपको महंगा मिलेगा। बोल दो एक बार, आप भी कपड़ा लेके आना है तो बहुत महंगा मिलता है यहाँ पे। हाँ, इंडिया से जो भी लोग आ रहे हैं सब कपड़ा लेके आइए, काफ़ी यहाँ महंगा मिलता है। काफ़ी महंगा महंगा जीन्स, काफ़ी महंगा जीन्स महंगा मिलता है, इंडिया जैसा भी नहीं मिलता है, इंडिया का जैसा नहीं रहता, और क्वालिटी भी थोड़ा
अलग रहता है। तो ये काफ़ी बड़ा मार्केट है और हम लोग इसमें तो कुछ लेने वाले हैं नहीं, बस आप लोग को दिखाने के लिए आए थे यहाँ पे। और यहाँ से मैं चल रहा हूँ और बाहर चल रहा हूँ, आप लोग को बाहर दिखाऊंगा। और इसके पास में एक मार्केट है जो मेन मार्केट लगता है, वहाँ पे चलेंगे। हम लोग आए हैं बस वीडियो बनाने के लिए, सच जो सच बोलता हूँ मैं हमेशा, झूठ नहीं बोलता हूँ, आप लोग को दिखाने के लिए बस। तो जो मुझे पहले से देखता है ना, वो लोग को तो मालूम होगा कि मार्केट देखा है मैंने, और जो नया नया वो लोग नहीं देखा होगा, तो फिर भी मैं दिखा दिया। उस साइड में कपड़े का मार्केट है और उस साइड में भाजी का मार्केट है, इस साइड में खाने का मार्केट। तो इन वजह से खाना यहाँ पे नहीं मिलेगा, काफ़ी अलग है, आप लोग ने कभी देखा भी नहीं होगा ऐसा खाना मिलता है यहाँ पे, और टेस्ट भी अलग है। तो कितना महीना हो गया आपका यहाँ पे? वो ये हमारा चौथा महीना चल रहा, मतलब चार महीना हो गया। तो जब आ रहे थे तो कितना टाइम लगा था आने में आपको वीज़ा, मतलब वर्क में जब इंटरव्यू दिया था उसके बाद कितना? चार महीना लगा था। कोई फिक्स नहीं है, कभी आगे भी हो जाता है, पीछे चार महीना छः महीना। इसीलिए मैं आप लोग को बता दिया, काफ़ी लोग मुझे पूछता ना वीज़ा आने में कितना टाइम लगता है, तो कोई फिक्स नहीं है, इसीलिए मैंने आपको बता दिया। तो ये जो ना चार महीना हो गया, अभी कभी बाहर नहीं गया और कभी मेरे फर्स्ट टाइम आए, और अभी घूमने के लिए बाहर कभी निकले नहीं है, फर्स्ट टाइम घूमने के लिए। हाँ तो ये मोहसिन भाई है, कभी अभी कंपनी में आने के बाद कभी बाहर घूमने के लिए गया नहीं, तो ये मुझे पहले देखता था इंडिया से, तो बोला कि आरिफ भाई अगर आप कहीं जाते हो अभी जो छुट्टी चल रहा है तो मुझे भी लेके चलना साथ में, तो फिर मैं इसको लेके आया घुमाने के लिए। तो पोर्टलिस्ट अच्छा जगह कहीं पे है नहीं, और कल क्रिसमस भी है, तो आज संडे है, तो काफ़ी सारा आदमी होगा, काफ़ी सारा कुछ बिकेगा, तो इसको पसंद आएगा तो लेगा, नहीं पसंद आएगा तो कुछ नहीं लेगा। और मुझे भी कुछ नहीं लेना है, मैं तो ऐसे घूमने के लिए आया हूँ। आज ना मौसम अच्छा है क्योंकि धूप हो रहा है, और गर्मी का मौसम है इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि गर्मी की वजह से ना मेरा फेस पूरा लाल हो गया है। और कल ही मैं समंदर गया था, आप लोगों ने देखा होगा वीडियो, क्रिसमस के समय ही ये बाहर निकाल के ये सब बेच सकता है, अगर क्रिसमस ख़त्म हो जाता तो फिर बाहर आपको अंदर बेचना पड़ेगा, नहीं तो ऐसा बेच नहीं सकते आप लोग। और मोहसिन भाई क्या बोल रहे थे आप? बोल रहे हैं कि इधर काफ़ी ऊंचा ऊंचा बिल्डिंग देखने के लिए मिल रहा है। इससे पहले जिधर हम लोग रहते थे, हमारा हॉस्टल है, कंपनी उधर, इतना ऊंचाई में बिल्डिंग नहीं रहता है। ये पहली बार आया तो पोर्टलिस में इतना ऊंचा ऊंचा बिल्डिंग देखने के लिए मिलता है, और मैं काफ़ी वीडियो में बता चुका हूँ, तो ये भी देखा तो मुझे बता रहा था, तो मैं सोचता हूँ कि रिकॉर्ड कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को भी पता चले कि मैं जो बोलता हूँ सच ही बोलता हूँ। सिग्नल को यहाँ पर काफ़ी फॉलो करता है, और फॉलो करना भी चाहिए, एक रूल्स तो रूल्स होता है सरकार की तरफ से जो बनाया हुआ है, जब ग्रीन सिग्नल होता है तभी हम लोग वहाँ से पार हो सकते हैं। ये जो है ना एक रास्ता है, रोड है समझ सकते हो, जैसे इंडिया में रास्ता बोलता है इसलिए मैं भी रास्ता बोलता हूँ। तो दोनों साइड मार्केट लगा होता है, और जो है ना बीच में गाड़ी चलता है लेकिन बहुत स्लो चलता है। ये मार्केट जो है ना हमेशा लगता है, और यहाँ पे आप आते हो तो आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सस्ता कपड़ा मिल जाता है, और काफ़ी यहाँ पे टूरिस्ट भी आता है घूमने के लिए। तो इस साइड में थोड़ा कम लगता है, आगे साइड में बहुत ज़्यादा भीड़ होता है। और आप लोगों ने एक दो पहले वीडियो में ही दिखाया था, जब बारिश हो रहा था यही मार्केट का वीडियो दिखाया था, और मैंने एक वाटर फ्रंट का भी वीडियो दिखाया था जिस दिन मेरा 5,000 सब्सक्राइबर हुआ था, उसी दिन मैंने आपको बोला था कि मैं और एक बार दिखाऊंगा। और काफ़ी कुछ बंद होने वाला है, संडे को तो सब 12 बजे बंद हो जाता है, इसीलिए पुलिस आकर सब गेट गुट बंद कर दिए, तो ये सब खुला रहता है। बहुत ज़्यादा भीड़ है यार आज, तो भीड़ भी बहुत ज़्यादा है, गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, माथे में देख सकते हो तो मेरा पानी चू रहा है, और मुझे बहुत तेज़ है। हाँ हम लोग बहुत जल्दी चले जाएंगे, क्या बोल रहा है समझ में नहीं आ रहा, बंदे दीजे मना दिए।
और मैं जो ऐसे कैमरा लग के रखा हूँ ना हाथ में, यहाँ पे ऐसा नहीं है जो छीन के भागा गया, ऐसा यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे काफ़ी सेफ्टी है, कोई किसी का कुछ सामान चोरी नहीं करता है। अगर अकेले पड़ जाते हो कहीं पे तो चोरी करके भाग सकता है, नहीं तो ऐसे कोई भागता नहीं चोरी। कैसे लग रहा मौसम भाई मार्केट देख के? बहुत भीड़ है मार्केट में, बहुत ज़्यादा गर्मी है और धूप भी बहुत ज़्यादा है। इसी मार्केट से आए थे, इसी मार्केट से जाएंगे और आप लोगों को भी दिखा देता हूँ दोबारा। जैसे कि मैंने आपको बोला था ना, बीच में गाड़ी चलता है, दोनों साइड में मार्केट होता है, तो कभी कभी प्रॉब्लम होता है पब्लिक लोग को। ये इसी चीज़ के लिए फेमस है ज़्यादा ये मार्केट। लग रहा है आदमी अभी ज़्यादा आ रहा है, मतलब जब आ रहे थे तो थोड़ा कम था, लेकिन अभी जो ज़्यादा दिख रहा है। और यही सब तो दिखाने के लिए आए थे आप लोग को, और आप लोग देख रहे हो इंडिया से, बांग्लादेश से, नेपाल से, तो एक लाइक कर देना। कहीं से भी देख रहे हैं लाइक कीजिए, और आरिफ भाई को थोड़ा सपोर्ट कीजिए, बहुत अच्छा इंसान है। अरे भैया बोल दिया, इतना ही काफ़ी है। हर किसी के लिए अच्छा नहीं होता ना, हर कोई मतलब लाइक नहीं करता, जिसको अच्छा लगता वही करता है। और किसी को मैं ज़बरदस्ती नहीं बोलता हूँ लाइक करो। तो आप लोगों ने मेरे वीडियो में नोटिस किया होगा कि मैं हमेशा किसी को सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलता हूँ, और बोलने में और करने में बहुत ज़्यादा फर्क होता है। जिसको अच्छा लगता है वो खुद ही कर देता है, और जो भी करता है उसके लिए शुक्रिया, जो भी लाइक करता है उसके लिए दिल से शुक्रिया। और अभी जो है ना वीडियो थोड़ा जल्दी जल्दी आ गया, क्योंकि बहुत लंबा छुट्टी मिला है ना, तो मैं बाहर निकलूँगा और वीडियो बनाऊँगा आप लोगों के लिए। तो ये वीडियो कैसा लगा मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।